टीएमसी सांसद नुसरत जहां तबीयत खराब होने की वजह से वो काफी चर्चा में चल रही हैं। हाल ही की तकलीफ के चलते अस्पताल में लाया गया था, लेकिन उनके फैंस ने राहत की सांस तब ले ली है जब वो अस्पताल से वापस घर आ गई हैं, जिसके बाद नुसरत के परिवार वालों ने उनकी तबीयत के बारे में बताया। और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है कि नुसरत जहां अब ठीक है। उन्होंने ट्विटर पर अपना वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नुसरत जहां ने वीडियो में कहा कि आपके प्यार और आशीर्वाद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। धूल मिट्टी के कारण मुझे छोटा अस्थमा अटैक पड़ा था जो डॉक्टर ने बताया, मैं जल्द से फिर काम पर वापस लौट जाऊंगी। नुसरत जहां का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर कमेंट भी। नुसरत की तबीयत खराब होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट सामने आए थे जिसमें दावा किया जा रहा था कि नुसरत की तबीयत ड्रग्स लेने की वजह से खराब हो गई है, लेकिन नुसरत और नुसरत के परिवारजनों ने इस खबर को पूरी तरह से अफवाह बताया है। नुसरत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहीं अस्पताल की ओर से कहा गया है कि नुसरत अब पूरी तरह, लेकिन कुछ वक्त तक उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से अच्छे से निपट सकें। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पति निखिल जैन का जन्मदिन मनाने के बाद नुसरत ने ज़्यादा मात्रा में दवाई ले ली, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई। आपको बता दें कि नुसरत सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर न सिर्फ अपने पति की दोनों की साथ में फ़ोटो भी शेयर करती रहती हैं, वहीं सोशल मीडिया यूज़र्स भी उनके फ़ोटो को काफ़ी पसंद करते हैं। कई बार नुसरत ट्रोल भी हो जाती है तबीयत खराब होने की वजह से। नुसरत इन दिनों चर्चा में चल रही, तबीयत ठीक कर अपने घर वापस आ गई हैं और एक वीडियो साझा कर दी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.